तो चलो लास्ट क्लास में हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म कैसे करता है, यानी ऑर्बिटल का मिक्सिंग हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, ऑर्बिटल मिक्स कैसे करता है हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज का बेसिक हम लोग फोकस रहेगा उसका एप्लीकेशन। और लास्ट क्लास हम लोग क्या कर चुके हैं, तो आपका 2s2p मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट हम सीख चुके हैं कि 2s2p मिक्सिंग क्या होता है, हमको आ चुका है, हम लोग को आ चुका है कि 2s2p मिक्सिंग क्या होता है। ठीक है, और 2s2p मिक्सिंग कब होता है कब नहीं होता है ये हम जान चुके हैं। ठीक है, ये ध्यान सुनना। अब जाना, एक क्वेश्चन आपके सामने मैं दे रहा हूँ जो प्रीवियस क्लास के कॉन्सेप्ट से लिंक है। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड बॉन्ड ऑर्डर मैग्नेटिक बिहेवियर इन नेचर ऑफ बॉन्ड। इन नेचर ऑफ बॉन्ड यानी आपको तीन चीज पता करना है। क्या क्या पता करना है, तो आपको बॉन्ड ऑर्डर पता करना है, आपको मैग्नेटिक बिहेवियर पता करना है, और आपको नेचर ऑफ बॉन्ड पता करना है। आपको नेचर ऑफ बॉन्ड पता करना है, किसका पता करना है, तो आपको पता करना है C2 मॉलिक्यूल का। आपको पता करना है C2 मॉलिक्यूल का। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर मैग्नेटिक बिहेवियर और नेचर ऑफ बॉन्ड पता करना है C2 मॉलिक्यूल का इन डिफरेंट केसेस। इन डिफरेंट केसेस, केसेस का मतलब एक तो नॉर्मल केस, फिर नॉर्मली जो होता तो मुझे बता देना है। तो तीनों क्वांटिटी को पता करना है, बॉन्ड ऑर्डर मैग्नेटिक बिहेवियर और नेचर ऑफ बॉन्ड। पहला केस क्या है, नॉर्मल केस में क्या होगा। सेकेंड क्या बोला गया है कि अगर हम ज़ूम कर लेते हैं कि 2s2p मिक्सिंग जो है वो अगर ऑपरेट नहीं करेगा, यानी अपने सिस्टम में 2s2p मिक्सिंग को हम बोलते हैं कि अब्सेंट है, तो क्या होगा। तो एज्यूमिंग 2s2p मिक्सिंग इज नॉट ऑपरेटिव, उस केस में क्या होगा। तो सेकेंड केस में तीनों प्रॉपर्टी बताओगे। ठीक है, और थर्ड केस क्या बोला है कि हम अगर ज़ूम कर ले कि 2s2p मिक्सिंग नहीं हो रहा है, ठीक है, और हुंड्स रूल भी वायलेट हो रहा है, और हुंड्स रूल भी क्या हो रहा है, वॉलेट हो रहा है। तीन तीन केसेस में, इन तीन केस में आपको बताना है बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, इन नेचर ऑफ बॉन्ड क्या होगा। तीन तीनों केसेस में आपको बना के बता करना है, मतलब आपको सेम चीज निकालना है इन तीनों केसेस में। ठीक है, तो फटाफट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, फिर मुझसे मैं क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ। आपको पता क्या करना है, आपको पता करना है बॉन्ड ऑर्डर मैग्नेटिक बिहेवियर इन नेचर ऑफ बॉन्ड। इन नेचर ऑफ बॉन्ड, ठीक है, तो फटाफट लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे आपको। बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, तो ध्यान सुनना आप लोग, ना हम लोग बात किसका कर रहे हैं, तो बात कर लो C2 मॉलिक्यूल का। बात कर हम लोग C2 मॉलिक्यूल का। तो C2 मॉलिक्यूल का अगर नॉर्मल केस रहेगा, तो नॉर्मल केस में आपका कौन कौन सा MOT यूज होता है, ध्यान सुनना। तो नॉर्मल केस में आपका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल होता है उसको कैसे हम लोग देखते हैं, तो लोग पढ़े हो गए। पहले क्या होगा, σ1s, फिर क्या होगा σ*1s, फिर क्या होता है σ2s, फिर क्या होता है σ*2s, फिर π2px होता है, π2py होगा, ठीक है, फिर σ2pz होता है, फिर π*2px होगा, π*2py होगा, एंड σ2pz होता है। ठीक है, ध्यान सुनना, अगर C2 मॉलिक्यूल हम बात कर रहे हैं, तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होता है, टोटल इलेक्ट्रॉन होता है 12। इसको इसको फिलअप करो। अब इसमें तो फिलअप करोगे, तो ध्यान देना, अगर फिलअप कैसे होगा, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन हो गया, फिर यहाँ दो इलेक्ट्रॉन, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, यहाँ देखोगे तो यहाँ पे चूंकि π2px एंड π2py का एनर्जी लेवल क्या होता है, सेम होता है, तो यहाँ आपको हुंड्स रूल फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले सिंगली फिलअप कर रहे हैं, तो ये 10, 9, 10 हो चुका है, 11, 12, तो आपका टोटल 12। अब इस तरह से फिलअप कर सकते हो। ठीक है, तो वंस अगर ऐसे फिलअप हो चुका है, तो पॉइंट है कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर का तरीका क्या था जी, बॉन्ड का फॉर्मूला था टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस टोटल एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, टोटल एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2। तो बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है इस सिस्टम में, तो बॉन्डिंग में दिख रहा है आपको, ये सिस्टम पूरा बॉन्डिंग में है, जो मैं येलो कलर से मैं मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो मैं पिंक कलर से मार्क कर रहा हूँ, ये सिस्टम एंटी बॉन्डिंग है। तो बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, तो बॉन्डिंग में टोटल इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा होगा 2, 2, 4 और 4, 8, यानी 8 बॉन्डिंग में है, 4 एंटी बॉन्डिंग में है, तो बाई 2 कर देना।
तो ये हो जाएगा आपका बॉन्ड कितना हो जाएगा, बॉन्ड और टू हो जाएगा, इसको निकाल लें। ठीक है, अब देखो इस सिस्टम में सारल ट्रोन क्या है, सारल ट्रोन पेयर्ड है, सिस्टम क्या होगा, तो सी टू होगा डायमैटिक, सी टू होगा डाया मैग्नेटिक। ठीक है, सी टू और डाया मैग्नेटिक। तो नॉर्मली सी टू का बात है, सी टू का बॉन्ड ऑर्डर होगा कितना होगा जी, सी टू का बॉन्ड होगा टू, सी टू होगा डाया मैग्नेटिक। ठीक है, समझ ना, हम बात करते हैं सी टू का, तो बॉन्ड का टाइप कैसा होगा, बॉन्ड का टाइप कैसा होगा, ध्यान सुनना, गौर करोगे, शुरू का जो सिग्मा और सिग्मा स्टार है ये दोनों कैंसिल करेगा आपस में, ये दोनों आपस में कैंसिल कर लेगा, तो नेट जीरो हो गया, यहाँ भी नेट जीरो हो गया, तो अल्टीमेटली बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन आ कहाँ से रहा है, तो बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन आ रहा है आपके पाई ऑर्बिटल से, बॉन्ड का जो भी कंट्रीब्यूशन आया है वो कहाँ से आया है, तो आपके पाई ऑर्बिटल से आएगा, यहाँ से आएगा बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन, बॉन्ड कंट्रीब्यूशन अगर यहाँ से आएगा इसका मतलब चूंकि बॉन्डिंग क्लाउड सारा का सारा पाई से है, तो क्या होगा, बॉन्ड और दो है बट बॉन्ड का नेचर दोनों का क्या होगा, पाई होगा। ठीक है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन पाई से है तो बॉन्ड का नेचर क्या होगा, पाई होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर टू तो है, लेकिन इसमें अगर बोलेंगे सिग्मा कितना है और पाई कितना है, तो बोलोगे सिग्मा इसमें जीरो होगा और पाई कितना होगा, दो होगा, यानी सी टू मॉलिक्यूल में ओनली पाई बॉन्ड होगा, दो पाई बॉन्ड होगा, तो सी टू मॉलिक्यूल हैव ओनली पाई बॉन्ड। ठीक है, कितना पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड होता है, तो ध्यान सुनना, ये नौ, तो नॉर्मल केस में ऐसा होगा, नॉर्मल केस में ऐसा होगा। ठीक है, तो सी टू का नॉर्मल केस था। ठीक है, तो ये हो गया आपका नॉर्मल केस ऑफ सी टू। तो क्वेश्चन नीट में पूछा हुआ था, नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि किस मॉलिक्यूल में सिर्फ पाई बॉन्ड होगा, तो उसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ था, उसमें सी टू भी एक ऑप्शन था, तो सी टू में सिर्फ पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, इसके अलावा और भी मॉलिक्यूल्स होगा, बट जो गिवन चॉइस था, जैसे अगर पूछेगा तो नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ था, नीट में ऐसा क्वेश्चन था। ठीक है, विच हैव ओनली पाई बॉन्ड इन इट्स स्ट्रक्चर, ऑप्शन दिया हुआ था, जैसे ए में दिया हुआ था, मान लेते हैं ए में था एन टू, बी में ऑप्शन दिया होता, मान लेते हैं दिया होगा ओ टू, सी में ऑप्शन था एफ टू, डी में ऑप्शन था सी टू, तो ओनली पाई वन किस में होगा जी, तो इसमें ऑप्शन होगा डी, सी टू में, यानी इन चार ऑप्शन में आप जो चेक करना तो सिर्फ सी टू में आ जाएगा, सिर्फ सी टू में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान सुनते हैं, अगला पॉइंट है कि सी टू, सी टू का हमको निकालना है बॉन्ड ऑर्डर, मैटिक प्रॉपर्टी, ठीक है, और बॉन्ड का टाइप, जब इसमें 2s2p मिसिंग क्या होगा, अब्सेंट होगा, व्हेन 2s2p मिक्सिंग इज नॉट ऑपरेटिव, मतलब हम ज़ूम कर रहे हैं, अज्यूम इज नॉट ऑपरेटिव, तो अगर हम अज्यूम कर लेंगे तो आपका मॉल जो ऑर्बिटल का एनर्जी है वो कैसे चलेगा, तो ऐसे चलेगा सिग्मा वन एस, सिग्मा स्टार वन एस, सिग्मा टू एस, सिग्मा स्टार टू एस। ठीक है, फिर क्या होगा, सिग्मा टू पी जेड हो जाएगा इस केस में, फिर क्या होगा, तो पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई, फिर पाई स्टार टू पी एक्स होगा, फिर पाई स्टार टू पी वाई होगा, लास्ट में क्या होगा, लास्ट में होगा सिग्मा स्टार टू पी जेड, सिग्मा स्टार टू पी जेड। अब समझ डॉन फिलअप करते हैं, तो डॉन फिलअप करें तो क्या होगा, तो दो यहाँ गया, तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, यहाँ पर सिंगली फिलअप करना पड़ेगा हमको, क्योंकि पाई टू पी एक्स एंड पाई टू पी वाई में एनर्जी बराबर है, तो क्या होगा, वहां पर मुझे हुंडसुल फॉलो करना पड़ेगा, यहाँ इस पोजिशन में आपको हुंडसुल फॉलो करना पड़ेगा, तो हुंडसुल फॉलो करने के लिए उसको हम लोग क्या किए हैं, दोनों को सिंगली फ्लिप किए हैं। ठीक है, ठीक है ना,
अब इसमें ध्यान देना, इसमें अगर हम इसमें इस केस में सी टू का अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो बॉन्ड में टोटल बॉन्डिंग में कितना, बॉन्डिंग में अभी भी 8 होगा, एंटीबॉन्डिंग में भी 4 होगा, और बाई 2 कर दे तो बॉन्ड कितना निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा। इस केस में देखोगे तो आपका 2 अनपेड है, तो 2 अनपेड है इसका मतलब क्या होगा, कि सिस्टम क्या होगा, चलो सिस्टम होगा डायमैटिक, सिस्टम क्या होगा, सॉरी सिस्टम क्या होगा पारामैटिक, क्योंकि अनपेड ऑन होगा तो सिस्टम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका पारा मैग्नेटिक। ठीक, अब आते हैं बॉन्ड के टाइप पे, तो बॉन्ड टाइप में बॉन्ड और टू है, तो इसमें सिग्मा और पाई का अगर नंबर हम देखे तो सिग्मा और पाई ध्यान देना, तो चूंकि शुरू में इलेक्ट्रॉन एक जैसे सिस्टम कैंसिल किया, ये कैंसिल किया, तो अल्टीमेटली बॉन्डिंग कहाँ से आएगा, तो बॉन्डिंग जो है ये सारा बॉन्डिंग का पार्ट है। इस बॉन्डिंग में देखना, 2 आ रहा है सिग्मा से, 2 आ रहा है सिग्मा 2 पी जेड से, और 2 आएगा पाई 2 पी एस एंड पाई 2 पी से मिला के आएगा, तो सिग्मा से 2 सिग्मा ऑर्बिटल 2 कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इसका बॉन्ड कितना, 1 होगा, तो सिग्मा बॉन्ड कितना हो, 1 होगा, और पाई बॉन्ड कितना है, 1 होगा। ठीक है, तो सी टू मॉलिक्यूल में अगर हमें जूम करेंगे कि 2s2 ऑपरेटिव नहीं है, तो उस केस में ये सिचुएशन होगा, उस केस में ये सिचुएशन होगा, बॉन्ड 2 रहेगा, सिस्टम हो जाएगा पारामैटिक। ठीक है, एक सिग्मा होगा, एक पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, तो बॉन्ड का टाइप हो जाएगा एक सिग्मा और एक पाई, एक सिग्मा और एक पाई। ठीक है, ये ध्यान देना, ये था सबका सेकेंड केस। थर्ड केस में ध्यान देना, थर्ड केस में क्या बोला हुआ था कि आपका 2s2p मिक्सिंग यानी C2 केस में एज्यूम 2s2p मिक्सिंग इज नॉट ऑपरेटिव, इज नॉट ऑपरेटिव। ठीक है, तो आपका 2s2p से ऑपरेटिव नहीं होगा, एंड एंड हुंड्स रूल इज वायलेटेड, हुंड्स रूल इज वायलेटेड, तो उसमें क्या होगा, तो नॉर्मल केस है कि 2s2p में से ऑपरेटिव है, तो आपका तो उस केस में आपका एनर्जी एनर्जी का ऑर्डर क्या चलेगा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, फिर क्या होगा, सिग्मा 2pz हो जाएगा, पाई 2ps होगा, पाई 2py होगा, पाई स्टार 2px होगा, एंड पाई स्टार 2py होगा, एंड सिग्मा स्टार 2pz होगा। इसमें अगर हम फिलअप करते हैं, बच्चे लोगों ध्यान सुनना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब चूंकि हाउंड्स लॉ फॉलो नहीं करना, तो हाउंड्स लॉ फॉलो करते तो आप ऐसा भरते, सिंगली सिंगली फिलअप करते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला कि हाउंड्स लॉ को वायलेट कर दो, तो हाउंड्स लॉ का वायलेशन कब होगा, जब नीचे वाला जो है उसको हटा के आप ऊपर में पेयरिंग कर दो, तो हाउंड्स लॉ का वायलेशन का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहीं पे पेयर अप हो चुका है। ठीक है, तो ऐसा हम करेंगे, इस केस में C2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना निकलेगा, ये बॉन्ड में टोटल बॉन्डिंग कितना है, तो टोटल बॉन्डिंग देखना अभी 8 होगा, एंटीबॉन्डिंग 4 होगा, बाई 2 होगा, यानी आंसर 2 होगा, क्योंकि इसमें सिस्टम इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, यानी कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, तो सिस्टम क्या होगा, सिस्टम होगा डायमैटिक, सिस्टम होगा डाया मैग्नेटिक। अब ध्यान देना, यहाँ पे नेट 0, एंटीबॉन्डिंग बॉन्डिंग समेशन 0, यहाँ भी 0, तो अल्टीमेटली जो भी कंट्रीब्यूशन है बॉन्डिंग से में, वो यहाँ से आ रहा है इस पोजीशन से, यहाँ से सिग्मा से ऑर्बिटल से 2 आ रहा है, और पाई ऑर्बिटल से 2 आ रहा है, इसका मतलब आपका सिग्मा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बनेगा 1 और पाई बनेगा 1। ठीक है, सिग्मा बनेगा 1, पाई बनेगा 1। ठीक है, तो ये रहा ऑल अबाउट जो हम लोग क्वेश्चन पूछे थे उसका आंसर्स इन अलग अलग केसेस में। ठीक है, बच्चों लोग लास्ट क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ चुका है, तो आप लोग ट्राई करोगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन को, सेम ही सारा चीज सेम ही पूछा गया है, तो आपको बताना है B2 के बारे में, यानी बोरोन का डायटोमिक मॉलिक्यूल के बारे में बताना है, तो बताना क्या है, बताना आपको बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। ठीक है, यानी आपको फिर से क्या निकलना है, बॉन्ड ऑर्डर निकलना है। ठीक है,
और क्या निकलना है? तो बॉन्ड ऑर्डर निकलना आपको मैग्नेटिक मैग्नेटिक नेचर पता करना है, मैग्नेटिक नेचर पता करना आपको, एंड टाइप ऑफ बॉन्ड पता करना है, टाइप ऑफ बॉन्ड पता करना है, यानी सिग्मा है कि पाई है, इस बारे में पता करना है। किसका? तो बी टू मॉलिक्यूल का पता करना है। कब? तो जब नॉर्मल केस होगा उस केस में क्या होगा, और जब टू एस टू पी, जब टू एस टू पी मिसिंग अगर ऑपरेटिव नहीं होगा, ठीक है, यानी टू एस टू मिसिंग एज वॉलेटेड, या बोल सकते हो एज एज नॉट ऑपरेटिव, इट्स नॉट ऑपरेटिव, उस केस में क्या करना है, ठीक है। और थर्ड केस है कि केस नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल केस, ठीक है, एंड हुनसुल हुनसुल इज वॉलेटेड, इसी ऑप्शन रहेगा। यानी बी टू का तीन केस में पता करना, नॉर्मल केस में क्या होगा, अगर टू एस टू मिक्सिंग ऑपरेटिव नहीं हो उस केस में क्या होगा, और अगर नॉर्मल केस में ही अगर हम हुनसुल को वॉलेट कर देंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो तीनों केसेस में आपको बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिक नेचर एंड टाइप ऑफ बॉन्ड पता करना है, टाइप ऑफ बॉन्ड पता करना है, ठीक है। जल्दी से फटाफट बच्चे लोग इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे आप लोग। जो ध्यान दोगे इस क्वेश्चन को ट्राई कैसे करने वाले हैं, तो इसमें देखो अलग अलग सिचुएशन है। पहला केस नॉर्मल केस है, तो नॉर्मल केस में क्या होता है, बी टू का जो ऑर्बिटल का एनर्जी होगा वो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो नॉर्मल केस में बी टू का जो एनर्जी लेवल होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का, वो लिखा हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी, उसको हम फिलअप करेंगे। तो फिलअप जब किया था, फिलअप भी कर दिया गया है, ठीक है। तो गौर करना कि सिस्टम में चूंकि दो अनप्रोटॉन दिखाया है, तो सिस्टम क्या होगा, बी टू होगा पारामैटिक सिस्टम होगा, पहले केस में क्या होगा, पारामैटिक होगा विद टू अनप्रोटॉन। का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, तो यहाँ नेट देखोगे बॉन्डिंग एंटीबॉन्डिंग कैंसिल करेगा, तो जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा बॉन्ड में वो यहाँ से आने वाला है, जिसको मैं रेड मार्क कर रहा हूँ। तो अल्टीमेटली दो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है, लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ, पाई में है, तो बॉन्ड ऑर्डर तो क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर तो वन होगा, बट बॉन्ड का नेचर जो होगा, तो बॉन्ड का नेचर में सिग्मा जीरो होगा और पाई एक होगा। तो बॉन्ड का नेचर में क्या होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर वन है, तो सिग्मा का टाइप जीरो होगा और पाई का टाइप कितना होगा, पाई होगा वन। यानी बी टू मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड है, उसका नेचर क्या होगा, नेचर होगा पाई, नेचर होगा पाई, ठीक है। ये रहेगा नॉर्मल, नॉर्मली बोरोन ऐसा होता, नॉर्मली बी टू मॉलिक्यूल ऐसा होगा, ठीक है। अगर इसमें अप्लाई करते हैं कि अगर मान लेते हैं कि टू एस टू पी मिसिंग, टू एस टू पी मिसिंग ऑकर नहीं करेगा तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो ध्यान सुनना। तो अगर हम मानते हैं टू एस टू पी मिसिंग ऑकर नहीं करेगा, उसके समय आपका जो एम जो ऑर्बिटल एनर्जी है वो ऐसा कुछ रहेगा, इसको फिलअप करें तो फिलअप भी कर दिया गया आपके लिए। तो गौर करना यहाँ पे सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो सिस्टम हो जाएगा डायमैटिक, क्योंकि बॉन्डिंग एंटीबॉन्डिंग नेट यहाँ से कैंसिलेशन, यहाँ भी कैंसिलेशन, तो अल्टीमेटली बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन कहाँ से होगा, तो बॉन्ड में कंट्रीब्यूशन होगा यहाँ इस पोजिशन से, यानी सिग्मा टू पी जेड से। तो सिग्मा टू पी जेड में चूंकि दो इलेक्ट्रॉन है, तो आपका बॉन्ड ऑर्डर में कंट्रीब्यूट कितना करेगा, वन करेगा, तो बॉन्ड ऑर्डर वन हो जाएगा, एंड बॉन्ड का नेचर क्या हो जाएगा, सिग्मा टाइप हो जाएगा, क्योंकि कंट्रीब्यूशन कहाँ से आ रहा है, कंट्रीब्यूशन आ रहा है सिग्मा टू पी जेड से। इसको हम बोल सकते हैं कि आपका बॉन्ड का नेचर क्या है, तो बॉन्ड का नेचर क्या होगा, सिग्मा होगा, ठीक है। तेरा ऑल अबाउट बी टू, ठीक है। सेकंड केस, थर्ड केस में क्या बात की है, थर्ड केस में क्या बोला गया है कि अगर केस नॉर्मल रहेगा, केस नॉर्मल होगा और आपको हुनसुल को वॉलेट करना है, आपको हुनसुल को वॉलेट करना है, ठीक है। तो नॉर्मल केस में यार आपका जो पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई है, वो सिग्मा से पहले आएगा। तो नॉर्मल केस का हम ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम ड्रॉ कर दिए, इसको फिलअप कर दिया गया, और ध्यान दिया गया है कि आपको हुनसुल को वॉलेट करना है। तो हुनसुल को वॉलेट करने का मतलब है कि ये जो पाई टू पी एक्स एंड पाई टू पी वाई है, उसको आप सिंगली सिंगली फिलअप नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे पाई टू पी एक्स में पेयरिंग कर दिया गया है। अब जो पेयरिंग है वो ऊपर भी कर सकते थे और या आप नीचे भी कर सकते थे, आपकी मर्जी है। ऐसा कुछ नहीं कि एक्स पहले फिलअप होगा और वाई बाद में फिलअप होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप वाई को भी फिलअप कर सकते थे पहले, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ध्यान ना, तो चूंकि यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो
तो सिस्टम क्या हो जाएगा, सिस्टम हो जाएगा डायमेटिक, सिस्टम क्या हो जाएगा, सिस्टम हो जाएगा डायमेटिक। ठीक है, तो सिस्टम हो गया डायमेटिक, जो कि अल्टीमेटली ये दोनों कैंसिल ही कर लेगा, ये भी दोनों कैंसिल कर लेगा, तो अल्टीमेटली बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन नहीं बस यहाँ से आएगा, यानी पाई टू पी एक्स का दो टर्म्स आएगा। तो चूंकि बॉन्ड और वन होगा, और चूंकि दोनों टर्म कंट्रीब्यूट कहाँ से हो रहा है, दोनों टर्म का कंट्रीब्यूशन हो रहा है कहाँ से, तो हो रहा है पाई से, इसलिए बोलेंगे नेचर ऑफ बॉन्ड क्या होगा, तो नेचर ऑफ बॉन्ड होगा पाई होगा, नेचर ऑफ बॉन्ड क्या होगा पाई होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ एमओडी का एप्लीकेशंस। ठीक है।